दिव्वी के इंद्र ने दियो सुमेवा, हनु की धार चोलंग से विलिंग। टिक्स के साथ यूट्यूब चैनल जीके स्टडी में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है कांगड़ा कुल्लू जिलों के अतिरिक्त अवर्गीकृत चोटियां। जी, दिव्वी के इंद्र ने दियो सुमेवा, गया उमा शित श्री का किला, खाया पिन का घोर पतासा। टिक्स के साथ कुल्लू की चोटियाँ। सबसे पहली जो हाईएस्ट चोटी है कुल्लू की, दिव्वी वोकरी, जिसकी हाइट है 6400। दूसरी महत्वपूर्ण चोटी है इंद्रासन, 6220 मीटर। दियोटिब्बा 6001 मीटर। सोलांग 5975 मीटर। मेवा कांदिनो 5944 मीटर। उमाशिला 5294 मीटर। शीतिधार 5290 मीटर। श्रीखंड 5182 मीटर। इंद्र का किला 4940 मीटर। पिन पार्वती 4800 मीटर। घोरला तीनो 4760 मीटर। पतालसु 4470 मीटर। साच 3540 मीटर। इससे जो ट्रिक्स बनती है, दिव्वी बोकरी से दिव्वी शब्द, इंद्र से इंद्रासन, दियो से दियोटिब्बा, सो से सोलंग, मेवा से मेवा कांदिनु, उमा से उमाशिला, शीत से शीतधार, श्री से श्रीखंड, किला से इंद्र किला, पिन से पिन पार्वती, घोर से घोरलातीनु, पता से पतालसु, सा से साच। और जो ट्रिक्स हमारे पास बनती है याद रखने के लिए, दिव्वी के इंद्र ने दियो सो मेवा, गया उमा शीत श्री का किला, खाया पिन का घोर पता। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, दिव्वी के इंद्र ने दियो सुमेवा, गया उमा शीत श्री का किला, खाया पिन का घोर पतासा। अब इसमें हाइट को एनालाइज करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई याद करने के लिए, सबसे पहले 6DB 400 यानी दिव्वी बोकरी की जो हाइट है वो 6400 मीटर है। और ये देखिए इंद्र 200 का मतलब है कि इंद्र किला की हाइट 6200 मीटर है। दियो 01 का मतलब है दियोटिब्बा की हाइट जो है 6001 मीटर है। अर्थात ये 6000 की रेंज में डीबी 400, इंद्र 200, दियो 01 आ रहा है। 5000 की रेंज में हमारे पास जो चोटियां आती है, सोलंग 5975 है, मेवा कांदिनो 5944 है, उमाशिला 5994 है, शीतश्रीधार 5290 है, 5182 मीटर है श्रीखंड। इसी तरह से जो 4000 की रेंज में हमारे पास चोटियां आती हैं वो है पिन पार्वती 4800 मीटर, घोरला तीनू 4760 मीटर, पतालसु 4470 मीटर, साच वह 3540 का मतलब है कि साच जो चोटी है उसकी हाइट 3540 मीटर है। नेक्स्ट है कांगड़ा की पर्वत चोटियां। हनु की धार चोलंग से विलिंग। हनु की धार चोलंग से विलिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान टिब्बा, जो कि कांगड़ा की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी हाइट है 5860 मीटर। दूसरे नंबर पर है धौलाधार 5550 मीटर। तीसरे नंबर पर है चोलंग 3270 मीटर। और चौथे नंबर पे हैं बिलिंग टॉप 3050 मीटर। इससे जो हमारे पास एक्रोनिम बनता है, हनु की धार चोलंग से विलिंग। अर्थात यहाँ देखिए हनुमान टिब्बा, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सर्वोच्च चोटी है कांगड़ा की, उसमें से हनु ले लिया, धौलाधार में से धार ले लिया, और चोलंग में से पूरा चोलंग शब्द ले लिया, बिलिंग टॉप से बिलिंग ले लिया। तो हनु की धार चोलंग से विलिंग, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर हाइट की हम बात करें तो 5 हनु 860 का मतलब है हनुमान टिब्बा की हाइट 5860 मीटर है। 4 धार 550 का मतलब है धौलाधार की चोटी की जो हाइट है वो 4550 मीटर है। 3 चोलंग 270 का मतलब है चोलंग की हाइट 3270 है। और 3 बिलिंग 50 का मतलब है बिलिंग टॉप की हाइट 3050 मीटर है। कुछ अवर्गीकृत
चोटियां हैं हिमाचल की जो कि क्लासिफाइड नहीं हुई हैं, इस पर भी आप नज़र रखें एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत इंपॉर्टेंट चोटियां हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं गया चोटी, जिसकी हाइट जो है वो 6794 मीटर है और ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ये देखिए गया चोटी यहाँ है लाहौल स्पीति के अंदर और इसकी हाइट जो है वो 6794 मीटर है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चोटी है उदंग कांगड़ी और इसकी हाइट है 6642 मीटर, ये भी लाहौल स्पीति के अंदर स्थित है। अगली जो महत्वपूर्ण चोटी है कुल्लू पुमोरी, ये भी लाहौल स्पीति के अंदर चोटी है और इसकी हाइट है 6553 मीटर। चंबा की जो महत्वपूर्ण चोटी है जो कि अवर्गीकृत चोटी है मैंथोसा, 6443 मीटर है, सनकटैक जोत के नाम से 6045 मीटर है। और कुल्लू में पार्वती शिखर जो है वो उसकी चोटी 6632 मीटर है, ये कुल्लू के अंदर दी गई है। इससे आप याद रखने के लिए जो एक्रोनिम बनता है लाहौल की गया उदंग से पुमोरी, चंबा में सन, कुल्लू की पार्वती, अर्थात लाहौल की चोटियां हैं गया उदंग कांगड़ी और पुमोरी। चंबा में सन का मतलब है चंबा में कौन कौन सी चोटियां, में से मैंथोसा, सन से सनक डैक, कुल्लू की पार्वती अर्थात कुल्लू में कौन सी चोटी है पार्वती शिखर है, ये अनक्लासिफाइड है अवर्गीकृत चोटियां हमारे पास है। यस, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित चोटी किन दो जिलों के मध्य स्थित हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कुछ महत्वपूर्ण चोटियों को जो है एनालाइज कर लें। जैसे कि संयुक्त चोटियां मैंने यहाँ पर आपके पास दी हुई हैं, मानेरंग किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में स्थित हैं, के बाउंड्री लाइन पर स्थित हैं, पिशू किन्नौर और शिमला के बीच में स्थित हैं, गुशू किन्नौर और शिमला के बीच में स्थित हैं, पापसुरा जो हैं लाहौल स्पीति और कुल्लू के बीच में हैं, धर्मसुरा कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है, बेहाली जोत चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में है, शिकर बेहू कांगड़ा और लाहौल स्पीति के बीच में है, मुक्कर बेहू कांगड़ा और लाहौल स्पीति के बीच में है, पार्वती शिखर कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है, हनुमान टिब्बा कुल्लू और कांगड़ा के बीच में स्थित है, पिन पार्वती कुल्लू और कांगड़ा के बीच में स्थित हैं, सन डैक जो वो चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में स्थित है, चूड़धार जो है वो शिमला और सिरमौर के बीच में स्थित हैं। प्रदेश की सर्वोच्च 10 चोटियां हैं वो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए, उसकी हाइट भी याद होनी चाहिए और साथ में जिलों के अंदर उनके लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में अधिकतर इन्हीं चोटियों में से पूछा जाता है। शिला 7026 मीटर है, किन्नौर के अंदर है। रियो परजियाल 6816 मीटर है, किन्नौर के अंदर है। निंजेरी 6646 मीटर है, किन्नौर के अंदर है। शिपकी 6608 मीटर है, किन्नौर के अंदर है। मानेरंग 6597 मीटर है, लाहौल स्पीति के अंदर है। ग्रेनाइट 6585 मीटर है, किन्नौर के अंदर है। रंगरीक 6553 मीटर, किन्नौर के अंदर है। मुरकिला 6520 मीटर, लाहौल स्पीति के अंदर है। किन्नर कैलाश 6500 मीटर है, किन्नौर के अंदर है। और जोरकांदेन 6473 मीटर, किन्नौर के अंदर है। इनको याद रखने के लिए जो ट्रिक्स हैं, शिरियोनी की शिप मांगरे, रंग दे मु किन्नौर की जोर, शिला रियो परजियाल निंजेरी, शिप की मानेरंग, ग्रेनाइट रंगरीक, मुरकिला किन्नर कैलाश और जोरकांदेन, ये 10 चोटियां हैं जो कि सर्वोच्च चोटियां प्रदेश की हैं, क्लासिफाइड हैं। शिरियोनी की शिप मांगरे, रंग देमु किन्नौर की जोर, शिरियोनी की शिप मांगरे, रंग देमु किन्नौर की जोर। हमारा अगला वक्तव्य होगा हिमाचल की प्रमुख नदियां। अपडेशन के लिए आप YouTube चैनल जीके स्टडी को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।